करता है। मैं नहीं करता, तू हमेशा ऐसी करती है। एक तो मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तू मेरे साथ हमेशा ऐसी करती है। बेस्ट फ्रेंड के साथ तू लड़ाई करता है? हम बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड है, फ्रेंड। अच्छा, सारे काम करूँ मैं और मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, सिर्फ फ्रेंड हूँ। चल देख लूंगा तुझे तो आज क्लास में। अरे आज तो फिर मैंने होमवर्क दी क्या, मैम डांटेंगी। एक काम करती हूँ, कुछ कह देती हूँ, अब मैं बोतल लेने जा रही हूँ। मैं ना बोतल लेने जा रही हूँ। अरे इसने होमवर्क नहीं किया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्यों ना मैं इसकी हेल्प कर दूँ। ये तो मेरे साथ लड़ती रहती है, बट है तो बहुत अच्छी। मैं ना काव्या की हेल्प कर देता हूँ, इसका जल्दी से होमवर्क कर देता हूँ, इससे पहले मैम इसका होमवर्क मांगे और ये अपने बोतल लेकर आए। अब मैंने ना इसका भी होमवर्क कर दिया, अभी आएगी ये खुश हो जाएगी। अरे बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे की मदद करते ही है ना। चलो ठीक है। ले आई तू अपनी बोतल? हाँ। बच्चों अपना होमवर्क सबमिट करो सबके साथ। चल अपना होमवर्क सबमिट करते हैं। हाँ चल अपना होमवर्क देते हैं मैम को। लेकिन मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं है। अरे एक बार चेक तो कर ले, क्या पता तूने होमवर्क कर लिया हो। अरे मैंने नहीं किया होमवर्क। अरे फ्रेंड के कहने पे एक बार चेक तो कर काव्या। ठीक है। अरे ये होमवर्क कैसे, मैंने तो किया ही नहीं था। अरे मैं हूँ ना तेरा बेस्ट फ्रेंड, मैंने कर दिया तेरा होमवर्क। हाँ हाँ मैं भी कर दूंगी तेरा होमवर्क, चल दे देते हैं। चलो सब बच्चों ने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया? यस मैम। अरे वाह काव्या, आज तुमने भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके दिया है, वेरी गुड, आगे से ऐसे ही काम किया करा करो। ओके मैम। देखा मेरे वजह से तेरा होमवर्क भी हो गया ना, तूने बचा लिया, वरना मैम मुझे बहुत डांटती। अरे फ्रेंड तो इसीलिए होते हैं। Yay! Recess time! चल अब अपना अपना टिफिन खाएं। हाँ। लगता है मैं गलत टिफिन उठा लाई, इसके अंदर तो खाना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम हैंड वॉश तो करके आ जाऊं। अरे काव्या सुन, अरे मैं एक फ्रेंड के पास खाना हो और दूसरा फ्रेंड भूखा रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बेस्ट फ्रेंड तो हमेशा चीजें शेयर करते हैं, और आज तो मैं वैसे भी फेवरेट चीज लाया हूँ काव्या के लिए, मैगी। और काव्या की मैगी, मैं काम करता हूँ जल्दी से ना, इसके टिफिन में ना थोड़ी मैगी रख देता हूँ अपनी, फिर हम लोग ना शेयर करके खाएंगे। इसके साथ शेयर करके खाने में ना मुझे बहुत मजा आता है। इसे मैगी ज्यादा दे देता हूँ, अभी आएगी ना तो ये हैप्पी हो जाएगी। और ये आ गई काव्या के टिफिन में मैगी, आने वाली आने वाली है। अरे काव्या कहाँ चली गई थी तू? अरे वो हैंड वॉश करने गई थी। चल अपना टिफिन खाएं। लेकिन मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ टिफिन तुझे में। मैगी, तुझे एक मैगी मैजिक दिखाऊं? है मैजिक देख। ओ टिफिन में मैगी आ जा, चुप चेक कर। कुछ भी ऐसे मैजिक तो ही ना होता है। अरे तुझे पता है ना मैं मैजिक कर सकता हूँ, चेक तो कर एक बार। देखती हूँ। ये मैगी कैसे आई इसके अंदर? पता नहीं, मैं तो मैजिक कर रहा था, मैगी आ गई इसके अंदर। चल मैं तो अपने टिफिन खा रहा हूँ, तू भी खा ले। तू क्या लाया है? मैं लाया हूँ मैगी। इसका मतलब तूने डाली है ना मैगी? और क्या, चल खाते अपनी मैगी। हाँ, चल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीक में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तो सब बच्चों को अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और काव्या स्पेशली तुम्हें अपने 80% मार्क्स लेकर आने हैं इस बार। मैं तो वैसी पढ़ाई नहीं करती, मेरे 80% मार्क्स। राजू तुम्हारे तो 80% से ज्यादा ही आएंगे, मेहनत ज्यादा करना, ओवर कॉन्फिडेंस मत लेना। और काव्या तुम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना। ओके मैम। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू मैम। राजू तू मेरी हेल्प करेगा एग्जाम्स में? क्यों क्या हुआ?
मुझसे वैसे ही पढ़ा नहीं जाता और मैम ने बोला मुझे 80% स्कोर करने हैं। और वो सॉरी जो मैंने तेरे कल बोला था। अच्छा वो, अरे बेस्ट फ्रेंड्स में तो लड़ाई होती रही है, हम तो फ्रेंड्स है ना। अरे मैं हूँ ना तेरी हेल्प करने के लिए, तू टेंशन क्यों लेती है, मैं पढ़ाऊंगा अपनी फ्रेंड को। ठीक है चल आ जा। अब मैं ना तुझे रोज ऐसे ही पढ़ाऊंगा और फिर तेरे बेटे पास आएंगे। ये तो काव्या, आज तो सबका रिजल्ट आने वाला है, मैम सबकी परसेंटेज बताएंगी। हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चल देखते हैं। तो बच्चों आज मैं तुम लोग का ये रिजल्ट बताने वाली हूँ। तुम सबने अपने एग्जाम बहुत अच्छे दिए। काव्या तुम्हारे इस बार आए हैं 85%। ये और क्लास में टॉप किया है राजू ने 92%। ये वेरी गुड काव्या, ऐसी मन लगा के पढ़ाई किया करा करो, जिससे तुम्हारी परसेंटेज भी अच्छी हो और तुम्हारा काम भी पूरा हो रहेगा क्लास में। देखा बेस्ट फ्रेंड ही काम आया ना। हाँ, तू ये मेरा बेस्ट फ्रेंड और क्या। ये हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी। हमें बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करना लाइक शेयर और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।